मुश्किल कुछ नहीं दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। ये वीडियो सभी हिंदी मीडियम बच्चों के लिए खास है, कहें उन सभी बच्चों के लिए जो वाकई में इंग्लिश लैंग्वेज से डरते हैं और कहीं ना कहीं उनमें भय होता है कि वाकई में सर मैं फौज की तैयारी करूंगा तो क्या मुझे सफलता मिलेगी, आखिर इंग्लिश लैंग्वेज का रोल हमारे लिए कितना मायने रखता है, सर मैं हिंदी मीडियम का छात्र हूँ, क्या मेरा एनडीए निकलेगा, क्या मैं एसएसबी में सर एक बेहतर परफॉर्मेंस दे करके अपनी सफलता सुनिश्चित कर पाऊंगा, क्या सर मेरा इंग्लिश वीक होना कहीं मेरी असफलता का कारण तो नहीं बन जाएगा। कई सारे ऐसे प्रश्न जो आपके जहन में अक्सर आते हैं और मन ही मन आपको कमजोर करते हैं, जिस वजह से आप अपनी स्टडीज को प्रॉपर नहीं कर पाते हैं। आज इस वीडियो में बहुत सारी बातें मैं स्पष्ट रूप से आपको क्लियर करने वाला हूं बेटा, और उन सारे सवालों का जवाब आपको देने वाला हूं। मैं बहुत गर्व से कहता हूं कि मैं भी एक हिंदी मीडियम का छात्र हूं। मैं गर्व से कहता हूं कि मैं एनडीए का एस्पिरेंट और एनडीए का कंप्यूटर रहा। बट जज्बा जिंदगी में एक ही था कि कोई ऐसी चीज नहीं जिसे मैं बेहतर ना बना सकूं। जहां हम बेटा एकेडमिक दृष्टिकोण से अपने सब्जेक्ट पे इतनी अच्छी कमांड रखते हैं, वो चाहे मैथ हो, फिजिक्स हो, इंग्लिश हो, जनरल स्टडीज हो, हर पार्ट को हम बेहतर करते हैं। और आपको तो पता ही है कि यूपीएससी एग्जाम में पेपर दोनों भाषा में होता है, दैट मीन भाषा कहीं बार नहीं बनेगी आपके एनडीए के यूपीएससी को क्लियर करने के लिए। तो सबसे पहले जहन से ये बात आज आप निकाल दें, नॉलेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। जब आपको इन्फॉर्मेशन होती है, नॉलेज होती है, तो भाषा कभी बार नहीं बनती है। नेक्स्ट स्टेज बिल्कुल आता है एसएसबी, जहां बिल्कुल जरूरी है कि एसएसबी के रोल में आप बेहतर ढंग से खुद को रिप्रेजेंट करें। ऑब्वियसली आपको साइकोलॉजी टेस्ट में स्टोरी राइट करना होगा, वर्ड एसोसिएशन करना होगा, एसआरटी में सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट देना होगा आपको। पहले ही जब आप पीपीटीटी के राउंड में होंगे तो वहां आपको भी राइटिंग सेंस होना चाहिए स्टोरी का। साथ ही साथ जीटीओ के दौरान जब आप ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज का हिस्सा बनेंगे तो वहां भी अपना एक एक्सप्लेनेशन आपको राइट करना पड़ेगा और अपनी बातों को अभिव्यक्त करना होगा। जीडी भी होगा, लेक्चरेट भी होगा, और हर जगह आपको अपना स्टैंड और अपना ओपिनियन रखना है। बट इन सब के बीच मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हिंदी बोलना एसएसबी के अंदर किसी भी तरह का क्राइम नहीं है, दैट्स अलाउड, वो बिल्कुल परमिटेड है बच्चा। बट इंपॉर्टेंट ये है, क्या हम इतना कुछ बेहतर कर सकते हैं जिंदगी में, यूपीएससी जैसे एग्जाम को बेटा क्लियर कर सकते हैं, तो क्या एक लैंग्वेज पे हम कमांड नहीं कर सकते हैं? और कमांड भी किस लेवल की, कि आपको अंग्रेज या ब्रिटिशर्स नहीं बनना है, कमांड इस लेवल की कि बस भाषा को आप बेहतर ढंग से समझ सकें, भाषा को आप अपने भाषा में बेहतर ढंग से एक्सप्रेस कर सकें, और जब राइटिंग की बात आए तो अपनी भावनाओं को, अपने एक्सपीरियंसेस को और अपनी ओवरऑल क्रिएटिविटी को सही शब्दों के साथ आप एक पेन और पेपर के माध्यम से उस कॉपी पे उतार सकें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और कहते हैं बेटा प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। आज सारे हिंदी मीडियम के बच्चों से कहना चाहता हूं, और ये प्रश्न दोनों ही स्टेज पे है। आज जो बच्चा 10th का एग्जाम क्लियर किया है यूपी बोर्ड से, उसके सामने बड़ा प्रश्न है बेटा, ये दो साल जो 11th 12th के हैं, ये आपकी जिंदगी के बदलने वाले साल हैं। अब इनको आप घर पे बैठ करके आप इस बात को सोचते रहते हैं कि हिंदी इंग्लिश और 12th के बाद करियर है, तो मैं कह देना चाहता हूं ये गलत है। देश के हर बच्चे को जो 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम क्लियर कर लिया है स्टेट बोर्ड से, चाहे वो यूपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, एमपी बोर्ड से, अन्य किसी हिंदी मीडियम बोर्ड से उसने पास कर लिया है, जरूरत है बेटा आप हमारे एनडीए फाउंडेशन प्रोग्राम का 2 साल का हिस्सा बने। बहुत ही सस्ते चार्जेस के अनुसार आपको प्रोग्राम पूरा पूरा प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हम आपके पूरे बोर्ड की विधिवत तैयारी, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस है बेटा, और साथ ही साथ हम आपका पूरा का पूरा एनडीए ओरिएंटेड प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, और जेई जैसे एग्जाम के भी फाउंडेशन हम आपके अंदर डेवलप कर रहे हैं। क्योंकि आपको अच्छे ढंग से पता है बेटा कि 11th के बाद ही आप एलिजिबल होते हैं, और बोर्ड के जस्ट बाद अप्रैल वाला अटेम्प्ट भी आप एलिजिबल होते हैं। दैट मीन जो बच्चे 12th के बाद आते हैं, अमूमन वो अपने 2 से 3 चांसेस मिस करके आते हैं, और जेई मेन जैसे एग्जाम में अपीयर ना होने की वजह से भी आज की डेट में आर्मी टीईएस और नेवी टीईएस जैसी दो डायरेक्ट एसएसबी जो साल में 2-2 बार आती है 4 टाइम, उस अपॉर्चुनिटी को भी बच्चे खो देते हैं। आज मैं पूरे देश के हर हिंदी मीडियम बच्चों से ये निवेदन करना चाहूंगा और सारे गार्जियन से आग्रह कहना चाहूंगा, सर ध्यान से समझें बच्चा किस मीडियम से है, सर इस बात से फर्क नहीं पड़ता है, फर्क ये पड़ता है कि जिस भी मीडियम से वो जा रहा है आखिर वो अपना ज्ञान, नॉलेज, पर्सनैलिटी उस लेवल पे इन्हांस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जिस लेवल पे रिक्वायर्ड है आगे जो उनको कॉम्पिटिशन फेस करनी है। तो मैं कहना चाहता हूँ बेटा कि मेजर कल्सी क्लासेस आपको बेस देता है, वो फाउंडेशन देता है, जिससे आप अपने ही सब्जेक्ट में बेहतर होते हुए, अपनी ही लैंग्वेज में बेहतर होते हुए रिटन प्लस एसएसबी दोनों ही दृष्टिकोण से तैयार हो जाते हैं। और जितने भी हमारे 12th के एग्जाम पास किए हुए बच्चे हैं, बिहार एमपी या उत्तर प्रदेश बोर्ड से स्पेशली या अन्य हिंदी मीडियम स्टेट से जो बच्चों ने कंप्लीट कर रखा है, बेटा देखो हिम्मत मर्दा मर्दे खुदा, और कहते हैं इंसान में अगर चाह हो जाए किसी चीज को कर गुजरने की तो मौका मिलता है। और मेजर कल्सी क्लासेस इस सेगमेंट पे भी स्पेशलाइज ऑर्गेनाइजेशन है पूरे इंडिया में, क्योंकि हम कम्युनिकेशन स्पेशल क्लासेस भी आपको प्रोवाइड करते हैं। हमारा एक ब्रांड है स्विस स्कूल, जो कि पूरी तरह से आपको कम्युनिकेशन ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, केवल एक उद्देश्य विशेष से कि कहीं से भी कहीं तक आप में कमी न रह जाए और अपने लैंग्वेज को आप बेहतर कर ले जाएं। तो मुझे लगता है बेटा अगर हम यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं यार, तो एक लैंग्वेज तो बेहतर बोल ही सकते हैं। तो आज के बाद से डर आप खत्म करिए अपने अंदर, उठिए आइए
हमारे टारगेट बैचेस का, हमारे फाउंडेशन बैचेस का आप बिल्कुल हिस्सा बनिए। हम जम के काम करेंगे, आपके एकेडमिक्स को भी बेहतर करेंगे, आपकी पर्सनैलिटी को भी बेहतर करेंगे और आपके कम्युनिकेशन को अप टू द मार्क बना देंगे। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने रहे हैं सिलेक्टेड बच्चों के जो हिंदी माध्यम छात्र से आए, चाहे वो हम बिहार बोर्ड के बच्चों की बात कर लें, यूपी की बात कर लें, एमपी की बात कर लें, और उन्होंने वो कमाल और वो कीर्तिमान स्थापित करके दिखाया है। तो फिर आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं, फटाफट आइए, आप भी जुड़ जाइए उस कीर्तिमान को दोहराने के लिए और एक बार बेहतर ढंग से फौज में अपनी सफलता पाने के लिए। तो स्वागत है आप सबका मेजिकल सी क्लासेस में। जय हिंद, जय भारत।